वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई एम बैक विथ अनदर हॉल वीडियो। आप सभी जानते हैं मैंने कल ही रिसेंटली एक फुटवेयर का हॉल वीडियो डाला था, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि मैंने अभी रिसेंटली नायका से जो ज्वेलरी परचेज करी थी वो फाइनली आ चुकी है, तो मैं उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगी। इसके अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो बिफोर वी गेट स्टार्ट मैं सबसे बारे में बोलूंगी, ये मैंने नायका से लिए थे, ये मुझे अराउंड 350 समथिंग में पड़ा था, एक गोल्डन बेस और इसमें व्हाइट पर्ल्स है। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द वीडियो नाउ, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये मैंने नायका से परचेज किया था अराउंड 600 समथिंग। ये काफी प्यारा लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके साथ में इयर रिंग्स भी है जैसे कि आप देख सकते हैं। सो माई नेक्स्ट वन इज दिस जो कि इस तरीके से डब्बे में आया था। सी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, इसके साथ में मुझे इयर रिंग्स मिला था एज यू कैन सी, साथ में मैंने टीका भी आया था। सो माई नेक्स्ट वन इज दिस, ये कुछ इस तरीके से पैकिंग होके आया था डब्बे में। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद है मेरे पास एक भी पीच कलर में इयर रिंग नहीं था, सो आई थॉट कि ये बेस्ट लगेगा, सो मैंने ये वाला परचेज किया। ये अराउंड मुझे 300 समथिंग का पड़ गया था। फंक्शंस में पहन सकते हो आप, अगर आपके घर में किसी की शादी है तो यू कैन वेयर दिस वन बिकॉज ये लाइट वेट है। सो माय लास्ट वन इज दिस, इस बॉक्स में मुझे रिंग्स आई थी जो कि काफ़ी सुंदर मिली थी जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। ये बहुत, इसमें बीच में कुंदन वर्क किया हुआ है और ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। ये एडजस्टेबल है सो या थैंक यू।